सीरीफोर्ट इलाका मंगोलों के दबे इतिहास पर बसाई हुई बस्ती है, जो आज की दिल्ली का एक खास हिस्सा है। भले ही सीरीफोर्ट आज अपने ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मशहूर क्यों ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम दिल्ली के इतिहास में बसे उस नगरी पर आधारित है, जिसे एक दंत कथा के अनुसार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के कलम हुए सिरों पर बसाया था। 13वीं शताब्दी के अंत में अपने ससुर और पहले खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के कत्ल के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा था। बाद में अलाउद्दीन के फौज ने रणथंबोर, गुजरात, मालवा जैसे राज्यों पर कब्जा करते करते अफगानिस्तान के मंगोल इलाकों से लेकर दक्षिण में मदुरे तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन सब के बीच सन 1303 में चित्तौड़ पर हुए हमले का जिक्र मलिक मोहम्मद जैसी की रचित पद्मावत में भी है। इस दौरान मंगोल जब अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से आगे कर रहे थे, तब उन्होंने भारत का भी रुख किया, मगर ये मुहिम अलाउद्दीन के सामने नाकाम रही। अलाउद्दीन उन्हें बार बार शिकस्त देता रहा। जैसे कि सब जानते हैं कि दिल्ली शहर को राजपूतों के किले राय पिथौरा से लेकर अंग्रेजों की नई दिल्ली तक 8 दफा बसाया गया था, ठीक वैसे ही अलाउद्दीन ने इसके दूसरे नगरी सीरी को सन 1297 से 1307 के बीच बसाया था। अलाउद्दीन ने सेल्जुक तुर्कों के साथ मिलकर सीरी शहर का निर्माण किया था, जिनकी सल्तनत मंगोलों ने हड़प ली थी और फिर अलाउद्दीन के दरबार में शरण ली थी। सीरी को बनाने में 70,000 मजदूर और कारीगर लगे थे। सन 1299 में गुजरात के हमले के दौरान अलाउद्दीन की फौज में मौजूद मंगोलों ने 3 बार बगावत की, मगर नाकाम रहे। उसके बाद अलाउद्दीन ने कई सख्त कदम उठाए, जैसे उनकी तनख्वाह आधी कर दी गई या फिर कईयों को बर्खास्त कर दिया गया। इसकी वजह से दिल्ली में बसे मंगोलों में असंतोष फैल गया और सन 1311 में अलाउद्दीन और मलिक कफूर दोनों की हत्या की योजना बनाई गई। लेकिन अलाउद्दीन के वफादारों को इस बात की भनक लग गई और मंगोलों की इस मुहिम से पहले ही अलाउद्दीन की फौज ने मंगोलों पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 8,000 मंगोलों के सिर कलम कर दिए गए। माना जाता है कि उन्हीं मंगोलों के अवशेषों पर बसाई गई बस्ती का नाम सीरी रखा गया था। सन 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद खिलजी सल्तनत ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई और सन 1320 में खिलजी सल्तनत का अंत हुआ। 14वीं शताब्दी के मध्य में दूसरे तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सीरी को दिल्ली के तीसरे शहर जहांपनाह का हिस्सा बनाया गया, जिसमें किला राय पिथौरा और तुगलकाबाद भी शामिल थे। सन 1398 में दिल्ली पर आक्रमण के दौरान मंगोल हमलावर तैमूर ने अपनी निजी डायरी में सीरी का जिक्र एक गोलाकार किले के रूप में किया था, जहां पर उसने नरसंहार का आदेश दिया था। सीरी के ईंट, पत्थर और अन्य सामान को सन 1351 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी फिरोजाबाद और सन 1545 में शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी शेरगढ़ के निर्माण में इस्तेमाल किया। इसके बाद इसके खंडहर को 6 शताब्दियों बाद दोबारा तवज्जो तब मिली, जब सन 1982 में एशियाड खेलों के दौरान इसी के नाम पर एक नए क्रीड़ा स्थल सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। उसी दौरान यहां सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम भी बनवाया गया, जहां आज कई महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन होता रहता है। सीरी पर शोध के बारे में भले ही पुरातत्वविदों का ध्यान हाल ही में गया हो, मगर यहां मौजूद भव्य इमारतों के नीचे आज भी ऐसी कई राज दफन हैं, जो कभी इस शहर की पहचान हुआ करते थे।